दोस्तों, होम लोन के लिए आपका बैंक आपसे कितना परसेंट चार्ज कर रहा है? दोस्तों, अगर आप होम लोन ले चुके हैं तो आप हर महीने बैंक को कुछ ना कुछ ईएमआई देते होंगे, चाहे वो 15 लाख रुपए का होम लोन हो या फिर 20 लाख का हो या फिर 25 लाख का हो। आप अपने हिसाब से जितना भी रुपए का होम लोन लेंगे, आप उसके हिसाब से बैंक को कुछ कुछ ईएमआई देंगे। अब ये जो ईएमआई होता है दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपका ब्याज पे, कि होम लोन का ब्याज दर कितना है। अलग अलग बैंक का दोस्तों ब्याज दर अलग अलग हो सकता है। किसी बैंक का 8% हो सकता है, किसी बैंक का 8.5%, किसी का 9%। ब्याज दर उसी के साथ साथ दोस्तों डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर पे। सिबिल स्कोर आपका जितना अच्छा होगा दोस्तों, ब्याज दर उतना ही घट जाता है दोस्तों। अब दोस्तों मान लीजिए, हम ये पकड़ के चलते हैं कि आपने किसी बैंक पे होम लोन के लिए अप्लाई किया, वहां से आपको होम लोन 9% के हिसाब से आपके आज के डेट में दोस्तों उबर बैंक आपको इश्यू करता है। अब कुछ दिनों के बाद आपको पता चलता है कि आपको यही लोन जो आपने लिया है वो 8-8.5% से किसी दूसरे बैंक से मिल सकता था। तो उस केस में दोस्तों आप क्या करेंगे? क्या उस लोन को आप कंटिन्यू करेंगे या फिर उसको बंद करके नया वाला लोन अप्लाई करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। इसका एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है कि आप जो पहले बैंक से जो आप लोन लिए हैं, जहां पे आपको 9% के ब्याज से इंटरेस्ट आपका होम लोन मिल रहा है, उस लोन को दोस्तों ट्रांसफर कर देना है दूसरे वाले बैंक से, जहां पे आपको 8 या 8.5% के ब्याज के हिसाब से लोन मिलेगा। इस प्रोसेस के बोलते हैं दोस्तों बैलेंस ट्रांसफर होम लोन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस शानदार वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैलेंस ट्रांसफर होम लोन कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और आप किस तरह से आराम से 2 से 3 लाख रुपए आपके होम लोन के ऊपर बैलेंस ट्रांसफर से बचा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए हम समझते हैं कि बैलेंस ट्रांसफर होम लोन आखिर होता क्या है। दोस्तों मान लीजिए आपने ये वाले बैंक से कुछ लोन लिया है, इसका नाम मान लीजिए कोई ए नाम का एक बैंक है। तो यहां से आपने मान लीजिए 25 लाख का होम लोन लिया है 20 साल के लिए। अब ये लोन को आपको 1-2 महीने, 3 महीने या फिर 6 महीने के बाद पता चलता है कि और एक बैंक है जिसका नाम बी है। बी बैंक आपको 8 से 8.5% के बीच में होम लोन दे रहा है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों? आपको सिंपली बी वाले बैंक से कॉन्टेक्ट करना है, जो कि दूसरा वाला बैंक है, और उनको बोलना है कि भैया मुझे अपने होम लोन को आपके बैंक में ट्रांसफर करना है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जितना भी कागज है, जितना भी आपका डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारा का सारा बैंक वाले रेडी कर देंगे। आपको बस वहां पे सिग्नेचर करना है। और दोस्तों कुछ मामूली फीस के साथ, बहुत ही कम फीस के साथ आपका जो लोन है वो ए बैंक, जो कि 9% के हिसाब से आपको ब्याज चार्ज कर रहा था, वहां से ट्रांसफर होकर बी में आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे आपको आराम से दोस्तों 2 से 3 लाख रुपए आपकी सेविंग हो जाएगी। चलिए दोस्तों एक बार हम चलते हैं अपनी एक्सेल सीट पे और देखते हैं कि बैलेंस ट्रांसफर होम लोन का क्या क्या फायदा होता है। उसी के साथ साथ दोस्तों वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसा हैक बताएंगे, एक ऐसा जुगाड़ बताएंगे, जिसके चलते आप यहाँ पे और भी 3-4 लाख रुपए आराम से सेव कर सकते हैं अपने होम लोन के ऊपर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने एक्सेल सीट पे। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आ गए हैं अपने एक्सेल सीट पे। यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं लोन अमाउंट का कॉलम है। सबसे पहले हमें जितना रुपए का होम लोन लेना है वो वाला वैल्यू डाल देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हमें एग्जांपल लेते हैं 25 लाख रुपए का होम लोन का, और यहाँ पे हम 25 लाख रुपए डाल देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे 25 लाख रुपए वैल्यू डाल देंगे। अब होम लोन लेंगे तो उसका आपको कुछ ब्याज देना पड़ेगा। मान लीजिए जो पहले वाले बैंक से आप होम लोन लेंगे उसका ब्याज होता है दोस्तों लगभग 9%। यानी कि आपने 25 लाख रुपए का लोन लिया 9% ब्याज के हिसाब से 20 साल के लिए, तो आपकी जो ईएमआई आती है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 22,493 रुपए, यानी कि लगभग 22,500 रुपए के आसपास। तो 25 लाख होम लोन के ऊपर दोस्तों आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट देना होगा बैंक को, वो देना होगा दोस्तों लगभग 29 लाख रुपीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक येलो यहाँ पे है, एक येलो बॉक्स। यहाँ पे आपने लोन लिया था दोस्तों 25 लाख रुपए और अब आप बैंक को दे रहे हैं लगभग 29 लाख रुपीज। तो दोस्तों आपने 25 लाख रुपए का लोन लिया पर बैंक को 20 साल में 25 लाख से भी ज्यादा, यानी कि 29 रुपीज, कुल मिला के दोस्तों लगभग 49 लाख रुपीज आप बैंक को लौटा रहे हैं। तो 25 लाख के ऊपर आपका इंटरेस्ट ही
इंटरेस्ट प्रिंसिपल से ज्यादा हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा क्या करें कि यहाँ पे इस इंटरेस्ट को थोड़ा हम कम कर सके, आज के वीडियो का हमारा मोटिव यही है। दोस्तों मान लीजिए आपको कोई दूसरा बैंक मिलता है जो दूसरा बैंक आपको 9 के जगह पे दोस्तों सिर्फ 0.5% कम यानी कि 8.5% के हिसाब से लोन देता है, तो इस वैल्यू को हम कहीं पे सेव कर देते हैं। दोस्तों आपका ईएमआई आ रही थी दोस्तों पहले के हिसाब पहले बैंक में 22493 यानी कि 22,493 रुपए ये आपका ईएमआई था। अब अगर आप इसका 8.5% के हिसाब से दोस्तों अगर आप लोन लेते हैं तो यहाँ पे आपका 8.5% आ जाता है दोस्तों 21,696 रुपीज आपकी ईएमआई आ जाती है दोस्तों 696। अब देखिए आपकी जो पहले वाले केस में जहां पे आप इंटरेस्ट दे रहे थे लगभग 29 लाख का, वो घटके हो गया दोस्तों यहाँ पे लगभग 27 लाख रुपीज यानी कि आपने अपने होम लोन पे बैलेंस ट्रांसफर करके 2 लाख रुपए सेव कर लिया दोस्तों। अब इस तरह से आप आराम से 2-3 लाख रुपए डिपेंडिंग अपन कि आप कितना रुपए का होम लोन ले रहे हैं, आपको बैलेंस ट्रांसफर के दूसरा बैंक आपको कितना इजीली दोस्तों ब्याज पे लोन दे रहा है उस केस में आप आराम से सेव कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 वैल्यू को सेव करके रखा है। अब आते हैं हम एक छोटा सा हैक के ऊपर कि आप और ज्यादा कितना पैसा यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों पहले केस में 9% ब्याज के हिसाब से आपको ईएमआई देनी पड़ रही थी लगभग 22,493 रुपीज, दूसरे केस में 21,696 रुपीज हो गया दोस्तों आपका ब्याज आपका ईएमआई। अब अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पे अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों तो देखिए इसका डिफरेंस कितना आ जाता है दोस्तों। यहाँ पे हम एक बार इसका डिफरेंस निकाल के दिखा देते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो डिफरेंस आ गया 797 रुपीज यानी कि लगभग 800 रुपए आप हर महीने अपने ईएमआई पे बचत कर रहे हैं दोस्तों। अब इस 800 रुपए को अगर हम चाहें तो एक छोटा सा म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं जो कि आने वाले 20 साल में हम इसी पैसे को इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि हम हर महीने 800 रुपए सेव कर रहे हैं। तो इस 800 रुपए को हम कहीं ना कहीं एक छोटा सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं म्यूचुअल फंड के कैलकुलेटर पे और देखते हैं कि हर महीने सिर्फ 800 रुपए जो हम सेव कर रहे हैं जो कि दोस्तों हमने 2 लाख रुपए सेव किया था ओवर द पीरियड ऑफ 20 इयर्स, उसको हम एक अच्छे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो 2 लाख रुपए बढ़ के कितना होने के चांसेस है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं हम आगे हैं अपने SIP के कैलकुलेटर पे। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे SIP का अमाउंट डाल देंगे जो कि होता है दोस्तों 800 रुपए। अब इस पैसे को हमें 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें हम टाइम पीरियड 20 साल रख देंगे। और दोस्तों म्यूचुअल फंड में हमें अगर हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो कि रिस्क फ्री होता है एज कम्पेयर टू दूसरे फंड, तो हमें आराम से आंख बंद करके 12-13% का रिटर्न मिल जाएगा। तो हम इसमें हर महीने 1% के हिसाब से 12% मान के चलते हैं। बहुत तरह के इंडेक्स फंड होता है दोस्तों, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि इंडेक्स फंड के ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं जहां पे आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप जो अपनी ईएमआई पे 800 रुपए सेव कर रहे थे इस 800 रुपए को हर महीने के हिसाब से हम 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर देंगे 12% इंटरेस्ट के हिसाब से। तो दोस्तों आपने इन्वेस्ट किया दोस्तों 1,92,000 रुपीज और आपके 20 साल के बाद हो जाता है दोस्तों लगभग 8 लाख रुपए यानी कि जो हर जो पैसा जो 0.5% के डिफरेंस पे आपने होम लोन के ऊपर 2 लाख रुपए बचा था हर महीने 800 रुपए के हिसाब से, उस पैसे को हम एक अच्छे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हर महीने 20 साल के बाद जैसे ही आपका लोन खत्म होगा उस पैसा बढ़ के हो जाएगा दोस्तों 8 लाख रुपए यानी कि जहां पे आप दोस्तों पहले के केस में 29 लाख रुपए का ईएमआई देने वाले थे वहां पे बैलेंस ट्रांसफर करके और जो पैसा आपका लाभ मिलता है ईएमआई में आता है उस पैसे को एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हमने 8 लाख रुपए का सेव कर लिया होम लोन के ऊपर। तो इस तरह से दोस्तों स्मार्टली आप अगर काम करें तो बहुत सारा पैसा आप अपने होम लोन के इंटरेस्ट के ऊपर सेव कर सकते हैं। दोस्तों हम अपने चैनल में इस तरह से अलग अलग आइडियाज लाते हैं, अलग अलग वीडियोज लाते हैं जहां पे कि हम
अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं। और हमारी कोशिश यही होती है कि अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो किस तरह से कम बैंक को इंटरेस्ट दे। दोस्तों, ये जो पैसा है ये आपका हार्ड अर्न मनी है और हमें पता है कि पैसा कितना कमाना कितना मुश्किल होता है, इसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। तो आपको आपके पैसे को दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा भी हेल्प कर सके कि आप अपना थोड़ा सा भी पैसा सेव करें हमारे इस गाइडेंस से, हमारे इस वीडियो से, हमें बहुत खुशी होगी दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आप अब तक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।